क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूंगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पर चल नहीं सकता है? अब एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ तो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। अब एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ तो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो।